इस वीडियो में हम जानेंगे Zomato के बारे में और जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कंपनी के प्रॉफिट यहां से डबल हो जाएंगे। देखेंगे इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स और क्यों अभी ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या आपको पता है Zomato की शुरुआत जुलाई 2008 में हुई थी फूडी बे के नाम से, वो भी फूड डिलीवर करने के लिए नहीं जो आज के टाइम पे हम सब जानते हैं, बल्कि सिर्फ रेस्टोरेंट लोकेट करने और मेन्यू स्क्रॉल करने के लिए बनाया था। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के पहले जानते हैं Zomato की स्टोरी, तो शुरू करते हैं टोमेटो की हिस्ट्री से। ओ वेट, डिड आई जस्ट से टोमेटो? वेल, Zomato का नाम जो हमारे जुबा पर होता है वो आया टोमेटो से ही है। एनीवे, Zomato के फाउंडर IIT दिल्ली ग्रेजुएट्स दीपेंद्र गोयल जी और पंकज चड्डा जी हैं, जो पहले बेनन कंपनी में काम करते थे एज सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट और सीनियर एनालिस्ट। उन्होंने देखा कि लोग फूड कोर्ट में मेन्यू कार्ड के लिए वेट किया करते थे, तो इसका सलूशन निकालने उन्होंने फूडी बे नाम से वेबसाइट बनाई और बहुत सारे रेस्टोरेंट के मेन्यू इस पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिए और साथ में रेटिंग की फैसिलिटी भी दी। और कुछ ही टाइम में इस वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ने लगा क्योंकि इससे काफी लोगों का टाइम बच रहा था। धीरे धीरे इन्होंने कोलकाता और मुंबई में एक्सपेंड किया, वो भी बिना किसी फंडिंग के, और फिर पैन इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए अपना नाम फूडी बे से चेंज करके Zomato कर लिया इन नवंबर 2010। अब पैन इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए फंडिंग की जरूरत थी, तो इस स्टार्टअप में संजीव बिगचंदानी जी, जो कि Naukri.com के फाउंडर हैं, उन्होंने $1 million इन्वेस्ट किए थ्रू InfoEdge कंपनी, जो कि इनकी लिस्टेड कंपनी है। फिर से नेक्स्ट फंडिंग राउंड में $3.5 million इन्वेस्ट किए और 2013 में और $10 million इन्वेस्ट करके Zomato में 50% स्टेक रख ली। और भी कई सारे इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया और Zomato की टोटल फंडिंग $225 million हो गई और उन्होंने तेजी में एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। 2011 तक Zomato ने दिल्ली NCR, मुंबई, बैंगलोर, पुणे में एक्सपेंड कर दिया और उसके बाद चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद में। सितंबर 2012 में Zomato ने दुबई में भी एक्सपेंड किया और देखते ही देखते Zomato आज की डेट में मोर देन 23 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। Zomato 23 जुलाई 2021 में लिस्ट हुई और 65.59% का लिस्टिंग गेन दिया। Zomato का बिजनेस आज 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, फूड डिलीवरी सेगमेंट, क्विक कॉमर्स सेगमेंट जिसमें ब्लिंकिट आता है, B2B सेगमेंट जिसमें हाइपर प्योर आता है। अब चलते हैं इनके फूड डिलीवरी बिजनेस में और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। फूड डिलीवरी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और EBITDA जो पहले नेगेटिव में होती थी वो भी अब कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, जो की एक गुड न्यूज है फॉर इन्वेस्टर्स। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ रहा है। अब आपको बता दें, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी कितने पैसे का ऑर्डर हो रहा है फूड डिलीवरी के थ्रू, तो आज के हिसाब से इनका फूड डिलीवरी सेगमेंट बढ़िया कर रहा है। अब देखते हैं इनका क्विक कॉमर्स का सेगमेंट जिसमें ब्लिंकिट आता है। Zomato ने ब्लिंकिट को 4500 करोड़ रुपीस में खरीदा था। ब्लिंकिट के थ्रू आप अपने डेली जरूरत की चीजें ऑर्डर कर सकते हो और ये कुछ ही मिनट्स में आपको आपका सामान डिलीवर कर देता है। अगर हम इसका रेवेन्यू और GOV देखें तो दोनों बढ़ रहे हैं और पिछले एक साल में ही ये डबल हो गया है, तो यहाँ से अभी और ग्रोथ आना ही है। पर वहीं अगर हम EBITDA को देखें तो ये नेगेटिव में चल रही है, पर ये भी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में पॉजिटिव हो जाएंगे और Zomato का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, जिससे स्टॉक की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ब्लिंकिट का सेगमेंट आने वाले टाइम में Zomato से बेटर करेगा। अब देखते हैं इनका B2B सेगमेंट जिसमें हाइपर प्योर आता है। हाइपर प्योर के थ्रू Zomato रेस्टोरेंट को फ्रेश और हाई क्वालिटी के रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अभी देखें तो ये बिजनेस सेगमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पर EBITDA अभी भी नेगेटिव में चल रहा है, तो इसके चलते कंपनी ने अब अनप्रॉफिट रेस्टोरेंट हटा दिए हैं और मिनिमम ऑर्डर का प्राइस भी बढ़ा दिया है ताकि ये सेगमेंट भी आगे चलकर पॉजिटिव में हो जाए। अब चलते हैं Zomato के चार्ट पर। आप देख सकते हो कि कंपनी अपने हाई से अभी 40% डाउन है और इस बीच कंपनी ने ब्लिंकिट भी खरीद लिया है और अब कंपनी हर सेगमेंट को प्रॉफिटेबल बनाने में लगी है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है आने वाले 2 सालों में 40% से रेवेन्यू बढ़ेगा हर साल। और अगर पास्ट रिकॉर्ड देखे, मैनेजमेंट ने जैसा बोला है वैसा किया भी है कि नहीं, तो मैं Zomato के मैनेजमेंट ने बोला था कि आने वाले 4 क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, पर अगले 1 क्वार्टर में ही कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट कर दिए, तो जैसा कंपनी बोल रही है उससे कई ज्यादा अच्छे से डिलीवर भी कर रही है। तो अगर आने वाले टाइम में Zomato का ब्लिंकिट और हाइपर प्योर का EBITDA पॉजिटिव आता है, जो कि हमारे हिसाब से आने वाले कुछ साल में आ ही जाएगा, और Zomato 40% से ग्रो करे, तो बिल्कुल ही अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही जाएगा, जो कि करंट प्राइस से 66% का गेन है। तो अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और Zomato की तरह लाल में है, तो बिल्कुल ये स्टॉक को लॉस में नहीं बेचे, बस थोड़ा पेशेंस रखे। और जिनको फ्रेश एंट्री लेना है वो भी अभी ले सकते हैं, बट खरीदना ना खरीदना आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। हमारा काम आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना है। अगर चार्ट पे चल के देखें तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जिसका टारगेट 155 रुपीज आता है, जो करंट से 58% का गेन है।
जो आने वाले एक साल में कभी भी आ सकता है अगर कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट पोस्ट करे तो। और क्यों ये अगला एक साल स्टॉक मार्केट के लिए बुलिश है उसको जानने के लिए हमारा ये राइट में दिया हुआ वीडियो चेकआउट करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।